देखिए हम लोगों को प्रूफ करना है मूर-ओस्गुड का स्टेटमेंट। तो मूर-ओस्गुड ने क्या कहा, तो मूरे ने कहा the rate the double limit limit x y tends to be f x y exists rate the double limit limit x y tends to be f x y exists and equal to n and rate limit x tends a f x y exists for each constant value of y in the neighborhood of y equals b and rate limit y tends to be f x y exists for each constant value of x in neighborhood of x equals a then limit x tends a limit y tends to be f x y is equals to limit y tends to be limit x tends to a f x y equals a। इट मींस मूरे ने कहा जो अगर किसी भी फंक्शन का डबल लिमिट का एग्जिस्टेंस हो किसी भी फंक्शन के डबल लिमिट का एग्जिस्टेंस हो और वह एक के बराबर हो किसी भी फंक्शन के डबल लिमिट का एग्जिस्टेंस हो और वह एक के बराबर हो और डिपेंडेंट में जो सिंगल सिंगल लिमिट है लिमिट वन टेंड्स टू बी ये एग्जिस्ट करता हो एंड लिमिट x टेंड्स टू a f x y यह भी एग्जिस्ट करता हो x इक्वल्स a के नेबरहुड में और यह एग्जिस्ट करता हो y इक्वल्स b के नेबरहुड में अगर ऐसा है एग्जिस्टेंस है देन दोनों लिमिटेड का जो वैल्यू होगा वह उस डबल लिमिट के वैल्यू के बराबर होगा। हमारा टारगेट है इसको प्रूव करना। इट मींस हमको दिया हुआ है उसकी मदद से इसको हम लोग अब प्रूव करते हैं। तो हमको दिया हुआ है जो डबल लिमिट का एग्जिस्टेंस है एंड सिंगल सिंगल इंटरमीडिएट लिमिट का एग्जिस्टेंस है। मैथमेटिकली तीन इक्वल कभी होता नहीं है। दो को करके हम लोग इक्वल करवाएंगे यदि मैथ्स में कहीं पे भी आपको a इक्वल्स b इक्वल्स c प्रूव करना हो तो सबसे पहले आप a बराबर b प्रूव कर लीजिए फिर भी a बराबर c प्रूव कर लीजिए या a इक्वल्स b या b इक्वल्स c प्रूव कर लीजिए। आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा a इक्वल्स b इक्वल्स c। चलिए इसका प्रूफ देखिए क्या इसका प्रूफ है। सिंस लिमिट x y tends to a b f x y is equals to n therefore mod of x y minus a b less delta this implies f x y minus a b लेस कोई एप्सिलॉन बाय 2। इसका मतलब दैट इज एक्स माइनस ए लेस डेल्टा वाई माइनस बी लेस डेल्टा दिस इंप्लाइज मोड एफ एक्स वाई माइनस एल लेस एप्सिलॉन बाय 2। स्टेंस limit x tends a f x y exists in the neighborhood of y equals b therefore limit x tends a f x y
तो कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ होगा, तो मान लीजिए कोई एफ ए वाई, इसके मतलब निकलता है जो एक्स माइनस ए लेस डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स वाई माइनस एफ ए वाई लेस एप्सिलॉन बाई टू। Since limit y tends to be f(x, y) exists in neighborhood of x equals a, therefore limit y tends to be f(x, y) equal f x b, इससे मतलब निकलता है that is y minus b is a delta, this implies f x y minus f x b less epsilon y। चलिए वन बाय वन, यदि हम यह प्रूफ कर दें, हेलो या तो डबल लिमिट का एक्जिस्टेंस था, तो डबल लिमिट को एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन पे ये क्या है, डेल्टा एक्स माइनस ए लेस डेल्टा वाई माइनस बी लेस डेल्टा, दिस इक्वलाइज f x y minus a is very small। दूसरा हमको दिया हुआ था कि limit x tends to a f x y exist कर रहा है neighborhood of y बराबर b पे, इसीलिए limit x tends to a f x y बराबर हो जाए थे y के, यहाँ पे भी epsilon delta का यूज कीजिए, जब x minus a बहुत छोटा होगा पर f x y minus f a y भी बहुत छोटा रहा होगा, इसको कोई इक्वेशन नंबर ए मानते हैं। फिर आपको दिया हुआ था लिमिट वाई टेंड्स टू बी एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका भी वैल्यू जब वाई बराबर बी डाल दोगे कुछ ना कुछ मिला होगा, इसको कोई इक्वेशन नंबर बी मानते हैं। अब वन बाय वन हमको ये प्रूफ कर दें इसके लिमिट का वैल्यू एल के बराबर है, इसके लिमिट का वैल्यू एल के बराबर है तो मेरा सवाल हो सकता है। वन बाय वन नाउ एफ ए वाई माइनस एल, एफ ए वाई और एल में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, आप इसमें एफ एक्स वाई जोड़ के घटा सकते हो, एफ ए वाई माइनस एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस एल, मॉड एक्स प्लस वाई लेस इक्वल्स होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के, लेस इक्वल मॉड एफ ए वाई माइनस मॉड एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस एल, क्यों मॉड एक्स प्लस वाई बेस इक्वल होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के, यह बिहेवियर लगा दिया, इसके मतलब निकलता है बेस इक्वल माइनस को कॉमन कर दिया एफ एक्स वाई माइनस एफ ए वाई प्लस मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल बेस इक्वल एफ एक्स वाई माइनस एफ ए वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस एल। पहला जो मॉड है वह अगर आप इक्वेशन नंबर टू से देखोगे तो वो छोटा है एप्सिलॉन बाई टू से, बेस
epsilon by 2 plus epsilon by 2 from first and second. This implies y minus b dS delta. This implies mod f a y minus l dS epsilon. That is limit y tends to b if a y equal l. And if a y का value equation number a से limit x tends to a affects y है, that is limit y tends to b limit x tends a affects y equals l. क्यों? From a if a y equal limit x tends a affects y. मतलब एक क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है, तो एक लिमिटेड लिमिट l के बराबर हो चुका है. आपको दिया हुआ था डबल लिमिट का एक्जिस्टेंस है वो l के बराबर है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा रहा होगा. इट मींस जब x मीन से रेडियस स्मॉल रहा होगा, y मींस भी रेडियस स्मॉल रहा होगा, तो f x y मींस भी रेडियस स्मॉल रहा होगा. ये हमको दिया हुआ था. आगे भी हम लोगों को अपने में एक कंडीशन दिया हुआ था, तो लिमिट एक्सटेंड से f x y एग्जिस्ट करता है. लिमिट एक्सटेंड से f x y एग्जिस्ट करता है. इट मींस जब इसमें x के बदला में a डाल दें, तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहा होगा. इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा जिसमें x नहीं रहा होगा, क्योंकि x टेंड्स टू a का क्रम हो चुका है, उसमें y रहा होगा या a रहा होगा. तो इसीलिए माने कोई फंक्शन ऑफ a y. इसको भी अगर आप एक्सेलेंट डेटा पे लिखोगे, तो when x minus a is very small, then f x y minus f a y is also very small. यह भी हमको given है. आगे और भी दिया हुआ है, जिसको भी हम use नहीं किया है. The limit y tends to be f x y exists करता है. Neighborhood of x equals a में. इसके मतलब निकलता है. The y tends to b पे इसका कुछ ना कुछ values आया होगा. Y tends to b पे जब भी values आया होगा, y का वैल्यू तो तुम कांस्टेंट कर रहे हो, तो जो भी बना होगा वो x के टर्म में कुछ ना कुछ बना होगा. इट मींस f x b उस फंक्शन का नाम दिए f x b. इसको भी अगर आप लिमिट के डेफिनेशन पे लिखोगे, तो when y minus b is very small, then f x y minus f x b is also very small. या यहाँ पे फिलहाल हम इसका यूज नहीं किए. अब हमारा रिपीटेड लिमिट l के बराबर होना चाहिए. रिपीटेड लिमिट इसमें जब लिमिट y tends to b लग जाएगा, रिपीटेड लिमिट बन सकता है लिमिट y tends to b. इट मींस हम ये टारगेट लिए, इसके लिमिट निकालने के बाद में जो वैल्यू आना चाहिए वो l के बराबर होना चाहिए. f a y minus l मोड में f a y minus l मोड में f a y minus l. मोड एफ ए वाई माइनस एल सेम नंबर जोड़ के, सेम नंबर तो सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हो, एफ एक्स वाई ऐड करके एफ एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर दिए, देन भी मोड एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिए. मोड एक्स प्लस वाई बराबर डैश इक्वल्स होता है, मोड एक्स प्लस वाई डैश इक्वल्स होता है मोड एक्स प्लस मोड वाई के. मोड एक्स प्लस वाई डैश इक्वल्स होता है mod x plus mod y के. तो यहाँ पे तो mod f a y minus f x y plus f x y minus k है, ये डैश इक्वल होगा mod f a y minus f x y plus mod f x y minus k के. इसमें से माइनस को कॉमन कर दिए, क्योंकि mod minus x बराबर होता है
a, what minus x बराबर होता है what x a, तो minus को common करके इसको arrange कर दिए तो mod fxy minus fay mod plus दूसरा inequalities है mod fxy minus a, ये जो portion है mod fxy minus fay यहाँ को less epsilon by 2 था equation number 2 से और mod fxy minus k less epsilon by 2 था equation number 1 से, तो इस 1 और 2 को इसमें use किए, ये छोटा है epsilon by 2 से, ये भी छोटा है epsilon by 2 से, तो इस दोनों का जो sum होगा वो भी छोटा ही रहा होगा epsilon by 2 से, it means ये less epsilon रहा हो, तो इससे मतलब क्या निकला, the mod fxy minus k का जो value रहा होगा mod fxy minus k का जो value रहा होगा वह epsilon से छोटा रहा होगा, कब, जब y minus b बहुत छोटा रहा होगा तब, तो इसको जैसे आप epsilon delta से limit लिखते हो वैसे ही epsilon delta से limit लिख दिया, तो when y tends to b then fxy tends to a, मतलब limit y